नमस्कार दोस्तों। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मध्य प्रदेश शासन में नर्सिंग के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। देख सकते हैं मध्य प्रदेश भोपाल में ये सरकारी भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। सबसे पहले आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट देख लें, जहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप सभी लोग उसको ओपन करेंगे, ये पेज आप लोगों का ओपन हो जाएगा। और नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को कहाँ पर प्रोवाइड कराया गया, आप सभी लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। लिखा भी हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नोटिस फॉर कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। और ये जो इन्फॉर्मेशन है, अभी हाल ही में ऑफिशियली आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड कराई जा रही। तो दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट का नोटिस, भर्ती का नोटिस यहाँ पे जारी हो चुका है। और ये जो वैकेंसी है, कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंतर्गत यहाँ पे रहने वाली है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे के पेज को ओपन कर लेते हैं। तो उस पर मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आगे का पेज ओपन हो चुका है। और जैसे आप लोग उसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, देखिए पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर दिया गया। और यहाँ पे आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है ओपन पे, और कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आपको नज़र आएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का नोटिस यहाँ पे ओपन हो चुका है। और टीचिंग पोस्ट इसमें यहाँ पे शामिल की गई कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग में। और दोस्तों देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वैकेंसी टेबल में दी जा रही, पोस्ट का नाम इसमें ट्यूटर की यहाँ पे वैकेंसी रहेंगी। ट्यूटर के 6 पद इसमें शामिल कर लिए गए। 18,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे आप लोगों को सैलरी मिलेगी। जो भी कैंडिडेट्स इसमें एमएससी नर्सिंग है, आप लोग अप्लाई करें। और पीएचडी अगर आप लोग हैं नर्सिंग फील्ड में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये डिज़ायरेबल बोला गया। यदि आप लोग जो है पीएचडी नहीं भी हैं, सिंपल एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं, आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के पास यदि एमएससी नर्सिंग है या फिर आपके पास पीएचडी है नर्सिंग फील्ड में, तो आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई किस तरीके से करना है लिखा है, एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर अफिक्सिंग अ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो प्लेन पेपर पे आप लोगों को जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, तो एक तरीके का आपको बायोडाटा तैयार करना है, जिसमें आपका फुल नेम, आपका फादर या फिर हस्बैंड नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट डिटेल, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को उसमें प्रोवाइड करानी है। सेल्फ अटेस्ट करके सारी आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको सर्टिफिकेट्स हैं, आपको ये भेज देना है। और नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट भी आपको बनवाना है। 400 रुपये का ये अमाउंट का आपका डिमांड ड्राफ्ट रहेगा। किसके नाम पे बनवाना है, BHEL शिक्षा मंडल, और ये पूरी डिटेल्स आप लोगों को दे दी गई है। आप लोग इनके नाम पे अपना जो है डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें, फीस का पेमेंट आप लोग करें। और एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपका बायोडाटा रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म के तौर पे, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सेल्फ टेस्ट करके फोटोकॉपी का सेट, और जो भी डिमांड ड्राफ्ट आप लोगों को बोला जा रहा है, ये सारी जानकारी आप लोगों को एड्रेस पे भेज देना है। तो एड्रेस दे दिया गया है, शुड रीच आपको पहुँचाना है, द सेक्रेटरी BHEL शिक्षा मंडल MGM डिस्पेंसरी बिल्डिंग। ये पूरा पता आप लोगों को पिन कोड के साथ दिया जा रहा है। और 26 सितंबर 2022 शाम के 4 बजे तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा है। तो 26 सितंबर ये इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आपका आवेदन इस समय तक, इस डेट तक पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई अप्लाई करने की, और इतना ही नोटिफिकेशन आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कराया गया। ये अपडेट कैसा लगा जरूर बताएं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश शासन की नर्सिंग की और पैरामेडिकल स्टाफ की हर वैकेंसी की जानकारी आगे आपको मिलती रहे, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब करें, बटन को वहाँ पर क्लिक करें। हर वैकेंसी का अपडेट इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।